संतान घाट के अंदर हूँ और आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि रात के समय शमशान घाट हॉन्टेड होता है या नहीं है। अगर वो हॉन्टेड है तो वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। अगर शांत है तो शमशान घाट किस तरह शांत है। अगर वो शमशान घाट जागता हुआ है तो मैं वह क्या देखने को मिलता है। ये चीजें जो है हर किसी के माइंड में रहती है। अगर वो शमशान घाट के पास रहता है या शमशान घाट के पास से गुजर रहा होता है, खासकर रात के समय। रात के समय अगर कोई इंसान शमशान घाट की बाजू से या साइड से जा रहा होता है तो उसको लगता है कोई हमें मिल न जाए। कोई हमें मिल न जाए, कोई हमें भूत या प्रेत दिख न जाए। उस इंसान को सबसे ज्यादा अपनी जान का डर रहता है। जान तो छोड़ी, उसको भूत से ज्यादा डर रहता है। शमशान घाट से अगर कोई इंसान गुजर रहा हो उस समय हल्की सी अगर हवा भी चल जाए ना, हवा से किसी पेड़ के पत्ते भी हिल जाए, तो उस इंसान की हालत बहुत खराब हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में वो इंसान या तो भागता है या खुद के साथ कुछ नुकसान कर बैठता है। मैं आज आपके मन से ये डर निकालने के लिए आया हूँ कि शमशान घाट में अगर आप हो तो शमशान घाट किस तरह रात के समय हमारे साथ बर्ताव करता है। रिसेंटली 2 दिन पहले यहाँ पे एक बॉडी जलाई गई थी। उस बॉडी तो जल गई, पर बॉडी के ऊपर जो जितनी लकड़ियां रखी थी वो तो कुछ लकड़ियों के अवशेष बाकी है और लकड़ियों के नीचे उस बॉडी की राख पड़ी है। उसमें से शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा किसी की आवाज आई पीछे। मेरे ख्याल से उस बॉडी की राख से शायद हड्डियां भी नहीं निकाली गई। ये आपको देखना चाहिए कि रात के समय शमशान घाट किस तरह। मैं आपको हकीकत बताऊं, इस समय रात के समय एकदम सन्नाटा है कि जहां पर कुछ भी नहीं है। मुझे डर नहीं लग रहा, सिर्फ इतना फील हो रहा है कि चारों तरफ सिर्फ एक घोर काली रात की सन्नाटे की आवाज आ रही है। ये वो बाउंड्री पे मैं बैठा हूँ जहां से जो शमशान घाट के अंदर हम एंट्री करनी होती है, कि वो बाउंड्री है। उसके आगे चल के थोड़ी दूर पे शमशान घाट के अंदर मुझे डर थोड़ा लग रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम ये चीज या एक्सपीरियंस करने जा रहा हूं। इसके अंदर क्या है, क्यों है, मुझे भी नहीं पता है। मैं भी ये एक्सपीरियंस करने के लिए शमशान घाट के अंदर जा रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा, मैं वो गेट खोलूंगा। थोड़ी दूरी पे ये बाउंड्री है, जो शमशान घाट पर एक बाउंड्री बनाई गई है। बाउंड्री के अंदर थोड़ा चल के आगे चल के थोड़ा गेट है, गेट से एंटर करते ही शमशान घाट स्टार्ट हो जाएगा। ये शमशान घाट काफी साल पुराना है और अभी तक तो यहाँ का कुछ केसेस नहीं आए, कुछ सुनने में नहीं आया कि यहाँ पर किसी कुछ फेल हुआ है, क्या हुआ है। और मैं आपको हकीकत में आज का बताता हूँ, शमशान घाट किस तरह रात के समय सन्नाटे से भरा हुआ है। वो मेरे साथ आप आज रात को फील कीजिए वीडियो के जरिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए और मुझे अप्रिशिएट कीजिए कि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आऊँ।
चलिए मिलते हैं। मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरा कैमरा जो है स्टैंड पर खड़ा है, मैं बैठा हूँ सामने और मेरे साथ कोई नहीं। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो। अभी हम चलते हैं उस जगह, बस मैक्स टू मैक्स 100 मीटर कुछ दूरी पे है। इसमें इतना सन्नाटा है कि जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे इसमें बहुत सन्नाटा है, रात के समय। ये उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री बहुत दूर है। इसके अंदर जा तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। मैं शमशान घाट के अंदर जा तो रहा हूँ पर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। इस समय जो फील हो रहा है इस काली रात में, इस रात के समय यहाँ पर एकदम इतना सन्नाटा है, कुछ नहीं कह सकता, बहुत सन्नाटा है। मैं क्लियर रात के समय छोटे छोटे जीव की आवाज़ सुन सकता हूँ और रात के समय रात की आवाज़ सुन सकता हूँ। इतनी भयानक है, डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। पर मैं खुद का ही अंदर से भी डर निकालूंगा और आपके अंदर से भी मैं डर निकालूंगा कि शमशान घाट के अंदर क्या होता है। इस समय मैं अब जिसकी भी बोलोगे मैं खुद की कसम खा के कहता हूँ, इस समय रात की 12:30 से ज़्यादा टाइम हो रहा है। चलिए मिलते हैं आप शमशान घाट के अंदर। हम यहाँ पहुंच चुके हैं और ये शायद आई थिंक गेट, यहाँ से बंदा गेट तो खुल गया है, आगे चलते हैं। गेट तो खोल लिया, अब मुझे थोड़ा यहाँ से निकलना पड़ेगा, नीचे की साइड जाना पड़ेगा। ये वो बॉडी है जहाँ पे उसको जलाया था, पूरी देख सकते हैं उस जगह से लेके। और ये यहाँ तक इस बॉडी के जो वो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ना, इसकी हड्डियाँ है। और ये मैं हकीकत बोलूँ जहाँ बॉडी जलाई है मैं उस जगह खड़ा हूँ। यहाँ पे बहुत सन्नाटा है, कहीं कहीं से खट खट की आवाज़ आ रही है। मेरी हवा तो खैर टाइट है, इतना ही। यहाँ पे जो बॉडी चलाई गई है बहुत, मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ क्या है बॉडी जो चलाई गई है। मुझे सकता है आधी दूरी बॉडी चलाई है, शायद मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि मुझे अभी फील हो रहा है कि यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर भी मैं थोड़ी देर तो यहाँ रुकूंगा, आया हूँ तो उसके अंदर चाहे फिर मेरी जान कहीं चले जाए। इसके बदले मेरे अंदर जो डर था मैं वो तो खत्म करके जाऊँ, अगर कोई मुझे दिखा कैमरे में दिखेगा और वो रिकॉर्ड भी होगा। या कहीं कहीं ऐसा लगता है कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं पता चल रहा किसकी आवाज़ है। मेरे आसपास में कोई भी नहीं है। चलिए दिखाता हूँ, देखिए वहाँ से बॉडी को चलाया गया और ये कुछ लकड़ियाँ हैं जो आधी जली हैं और ये आधी नहीं जली।
इसकी मिट्टी जो है ऊपर की ऊपर की हुई है। मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया। मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता। मैं बोड़ी के उस पास ही खड़ा, बोड़ी के सुजरा के मुझसे सिर्फ 2 फीट की दूरी पर है, उस बोड़ी के पास। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, नहीं रुक सकता। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फर्स्ट टाइम में, बाद में आपको पता नहीं आपको माइंड चेंज अब तो मैं बाहर जाके बात कर लूँगा इसके बाद की। यहाँ से चलता हूँ, मैं शमशान घाट के अंदर था उस समय। एक अजीब सी खट की आवाज़ आ रही थी, कभी फट की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे आसपास कोई है। मैंने काफ़ी देखने की कोशिश करी पर मुझे वहाँ पर कोई मिला नहीं। और मुझे कम से कम उस मिट्टी के पास, जली हुई राख के पास 5 से 10 मिनट तो मुझे हो गया था। और आपको मैं वीडियो में आगे दिखाया भी है। और मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा मन बोल रहा था कि अब तुम यहाँ से चलो, अब तुमको बहुत टाइम हो गया, इस समय ज़्यादा मत रखो। पहली बात, मैं अकेला था, अकेला ही मैं आज ब्लॉगिंग करने के लिए गया था। मैं हिम्मत किया था मैं कैसे भी करके आज एक हॉन्टेड ब्लॉग शूट करूंगा, वो भी इन शमशान घाट के अंदर। शमशान घाट के अंदर जाके उस समय मैं जब निकला था, उस समय 12:30 बजे था। और जब मैं पहुंचा हुआ तो 12:45 ऑलरेडी हो चुका था। मैं अकेला ही कैमरा हैंडल कर रहा था, मैं सिर्फ अकेला था। मैं आपको दिखाया कि वहाँ की राख किस तरह शायद वो जली नहीं जली है। वहाँ पे एक अजीब सी, मेरा ना सिर बहुत तेज, सिर बहुत भारी हो गया था इतना मुझे लग रहा था। और ऐसा फील हो रहा था कि कुछ लोग मुझे देख रहे हैं वहाँ पे। मैं जब वहाँ था तो मुझे ऐसा लगा कुछ लोग मेरे आसपास खड़े हुए, कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ ऐसा फील मुझे हो रहा था। मेरा वहाँ से निकलना ही सबसे अच्छा लगा। मेरा मन बोला कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ऐसा क्यों मेरा मन बोला मुझे नहीं पता था। फिर आपको मैं जल्दी से वो चीज़ें दिखाया किया और मेरा वहाँ से निकलना हुआ। मुझे डर नहीं था, मेरा मन बोल रहा था आपको जाना चाहिए यहाँ से। दोस्तों ये वीडियो मैं जब बनाया हूँ आपके लिए, अगर आपको जरा से भी कहीं से भी अच्छी लगती है, रियलिटी कहीं लगती है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं हूँ आपका भूपेंद्र सिंह। फिर आपसे मुलाकात होगी इस मोस्ट वॉन्टेड ब्लॉग में, और भी आपके लिए रियलिटी वीडियोज आपके लिए लाऊंगा। सो आपके अंदर से डर खत्म करूंगा मैं। फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव।